हे गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं चनाब क्लब, जहां हम लॉकडाउन से पहले तकरीबन रोज़ ही जाया करते थे। कोई ऐसा वीक नहीं होता था जब हम ना जाएं, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब हम जा रहे हैं। चलिए चलते हैं जी। तो गाइस फाइनली वी रीच टू चनाब क्लब। अभी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारा अंदर से भी। सो गाइस ये है चनाब क्लब का रिसेप्शन, जिसको मेन एंट्रेंस भी कहा जाता है। और ये लॉबी है चनाब क्लब के एंट्रेंस लॉबी। और ये सामने जेमिनी कैफे है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। इधर आपको बहुत सी डिलीशियस डिशेस खाने के लिए मिलेंगी। जी तो गाइस ये सामने चनाब क्लब का मेन बिगेस्ट पार्क है, जहाँ पर टेनिस भी प्ले किया जाता है और जो भी स्पोर्ट्स गाला के टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो इधर ही प्ले किए जाते हैं। और ये सामने मेन वो वाला हॉल है जहाँ पर वीकली तंबोला प्ले किया जाता है। ये वही रेस्टोरेंट। और वो सामने ब्लू लाइट्स वाला जेंट्स स्विमिंग पूल है जेंट्स। और गाइस ये है चनाब क्लब का मेन टेनिस कोर्ट, जहाँ पर कोचेज आपको सबसे पहले प्ले करना सिखाते हैं और अक्सर टूर्नामेंट्स भी इधर ही प्ले किए जाते हैं टेनिस के। वैसे पूरे इस पार्क में शाम के टाइम मेंबर्स प्ले कर रहे होते हैं, इधर नेट्स वगैरह लगी होती हैं, मगर रात के टाइम वो उतार देते हैं। और बहुत सी लेडीज़ मेंबर्स जो हैं वो इधर आके वॉक वगैरह कर रही होती हैं। अब हम चलते हैं पूल की तरफ। जी तो गाइस पूल उन्होंने COVID-19 की वजह से बंद किया हुआ है। हम चलते हैं म्यूजियम की तरफ। चलिए चलते हैं जी। तो गाइस जिम से पहले आता है स्क्वैश कॉम्प्लेक्स, जिधर स्क्वैश प्ले की जाती है। आए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा ही आगे इसका एंट्रेंस है डेंसियम की, मगर अभी मैं अंदर नहीं जा रहा। वेस्ट मेंबर्स टाइम है और मेंबर्स का टाइम गुजर गया। और ये है हमारे चनाब क्लब की लाइब्रेरी, और ये भी मैं आपको अंदर से शो करता हूँ। इधर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, किड्स के लिए अलग हैं, वुमेंस के लिए अलग हैं, मेंस के लिए अलग हैं, एडल्ट्स के लिए लैदर, सब के लिए लैदर सेक्शन बने हुए हैं। और इधर से बाहर आकर अब आता है ये बारबेक्यू। ये थोड़ी डिम लाइट है इसलिए शायद आपको ना व्यू सही आ रहा हो। इधर बारबेक्यू होता है और उसके बाद आ जाता है ये रचना बार, जहाँ पर बॉलिंग एले, सिनेमा और क्या नाम था, मैं फॉरगॉट द नेम। अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके 3 फ्लोर्स हैं, मैं आपको सारे दिखाता हूँ। ये है चनाब क्लब का बॉलिंग एले, जहाँ पर बॉलिंग प्ले की जाती है। बॉलिंग एले से बाहर आकर अब हम जा रहे हैं अपस्टेयर्स आपको सिनेमा दिखाने।
और गाइस ये है चनाब क्लब का सिनेमा, मगर अभी फ़िलहाल इन्होंने कोविड-19 की वजह से बंद किया हुआ है। और उसके बाद अब हम आपको लेके चलते हैं अपस्टेयर्स, वो मैं फिर भूल गया, हाँ लेबनीज़ फूड की तरफ। ये ओपन एयर रूफ टॉप पे ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही डिलीशियस डिशेस मिलती हैं। सो गाइस आफ्टर रचना बार वी रीच टू जूस कॉर्नर। यहाँ आपको बहुत से शेक्स और फ्रेश जूसेस और फ्रूट शेक गरम अवेलेबल होगी। और गाइस ये है वो हॉल जहाँ पर तंबोला प्ले कराया जाता है हर वीक फ्राइडे वाले दिन, यहाँ पर तंबोला प्ले कराया जाता है। और इस सीट पर बैठकर तंबोला कंडक्ट कराया जाता है। और गाइस ये है चनाब क्लब का चाइनीज हॉल। जी तो गाइस आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और यहाँ पर अब मैं करता हूँ अपना व्लॉग एंड। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।